तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो सिंपली इसके लिए आपको VNF प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना और जिनके पास है वो ओपन कर लेना। उसके बाद प्लस पर क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना, फोटोस में जाना और अपनी कोई भी फ़ोटो पहले तो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं पहले अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद फ़ोटो के एंड में जाके वाटरमार्क को रिमूव कर देना और फ़ोटो का साइज बढ़ा लेना, 9 या 10 सेकंड कर लेना ड्यूरेशन। उसके बाद टैब टू ऐड म्यूज़िक पर क्लिक कर देना। पहले तो इसका साइज कर लेना 1.1 कर लेना, 9.16 पर अच्छा नहीं बैठ रहा। बस तो 9.16 करना था लेकिन जब फ़ोटो अच्छी नहीं बैठ रही, 1.1 कर लेना। इसके बाद टैब टू ऐड म्यूज़िक में जाना है। टैब टू ऐड म्यूज़िक में जाना, प्लस पर क्लिक करना, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करके आपको उसी वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है जो हम आज वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल ही जाएगी, उसका ट्रेंड है, लेकिन मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आपको लगानी है बीट्स इस झंडे से, तो मैंने बीट्स लगा ली हैं। ये देख लीजिए, पहली बीट है जहाँ पर आपके राइट साइड में सभी बीट्स लिखी आ रही होंगी। तो जो जो मैंने टाइमर दिया है वहाँ वहाँ पर बीट लगाना, क्योंकि हमारी वीडियो पर प्रॉपर इफेक्ट लग सकें और वीडियो बिल्कुल हमारी अच्छी बने। तो लगा लीजिए इफेक्ट अब। तो इफेक्ट लगाने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से टिक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, एंड में जाना है और जो फालतू फ़ोटो बची है उसको कट कर देना है और डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट, क्योंकि ये वीडियो की फॉर्म में हो चुकी है। तो जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। तो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसी वीडियो को कर लेंगे ओपन। इस वीडियो को ओपन करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर ही ओपन होगी, जहाँ पर प्रोसेसिंग रहेगी 1-2 सेकंड, लेने देना। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको इसकी वॉल्यूम को कर देना है बिल्कुल माइनस। उसके बाद आपको वाटरमार्क को कर देना है रिमूव एंड में जाके। उसके बाद आपको टैब टू ऐड म्यूज़िक पर क्लिक करके जे ऐड वो ऐड कर लेना है जो हमने जिसमें बीट लगाई थी। तो अब आपको लगाने हैं कट्स। तो पहला कट थोड़ा सा मुश्किल है, उसके बाद तो सिंपल ही है सभी कट। तो पहले तो आपको जूम इन इफेक्ट लगाना है, बिना कट के आपको जूम इन इफेक्ट लगाना है और उसको कर लेना है -30 सेकंड कर लेना। और उसके बाद आपको लगा देना है कट जब ये इफेक्ट ख़त्म होगा। तो अगर आपका ये ऐसे इफेक्ट ना लगे, बेस्ट तो ये अगर आप आईफोन पर बना रही हो तो लग जाएगा, नहीं अगर आपके पास हम एंड्रॉयड है हमारे जैसा तो नहीं लगेगा। उसके बाद आपको इसे पहले कट को लगा के आपको इसे लंबा कर लेना है 50 सेकंड का और उसके बाद लगा देना है जूम इन और प्लस में लगा देना है वाइट इफेक्ट। उसके बाद आपको दूसरा कट लगाना है जहाँ पर, और तीसरा कट लगाना है उससे थोड़ा सा डबल, और चौथा कट बिल्कुल तीसरे की तरह लगा देना है। उसके बाद हम थोड़ा देखा वीडियो को, तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, 5 कट लगा देने हैं। 5 कट लगने के बाद आपको सभी बीट्स पर लगाने हैं कट। तो पहले हम कट्स ही लगा लेते हैं। ये देखिए सभी बीट्स पर आपको बिल्कुल वहाँ पर रोक के बिल्कुल वहाँ पर ही कट लगाना है, क्योंकि अगर आपने कट थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दिया तो आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी। तो चलिए लगा लेते हैं कट। तो कट्स लग चुके हैं। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, पहले मैं जूम इन इफेक्ट लगाया था, उसके बाद जूम में जाके जूम इन कर देना। तो अब ये जो 2 क्लिप हैं इसमें जूम आउट लगा देना पहली में तो, और दूसरी में आपको सबसे पहले तो जाना है एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद आपको इसमें भी जूम इन ही लगा देना है। जूम इन लगाने के बाद जूम में जाके आपको इसमें लगाना है ये वाला फिल्टर मूव अप, और उसके बाद जो प्लस में लगा देना है वाइट। उसके बाद जो अगली क्लिप है इसमें आपने लगा देना है मूव लेफ्ट, उससे अगली क्लिप में आपने लगा देना है ये वाला जो मैंने लगाया है मूव राइट। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, प्लस में पहले तो वाइट लगा देना है और फिर वैसे ही बनिया।
उसके बाद आपको ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल छोटा कर लेना है 0.05 सेकंड का, बिल्कुल छोटा। उसके बाद आपको इसके बहुत सारे डुप्लीकेट बना लेने हैं। पहले एक डुप्लीकेट बनाओगे, उसके बाद आपको फेस तक जूम करना है, फेस तक जूम करना है। उसके बाद आपको इसका ओरिजिनल साइज कर लेना है। ओरिजिनल साइज जो नीचे ये बटन आ रहा है जहाँ पर मैंने सर्कल लगाया है, आप जहाँ से ही कर लेना। तो ऐसे ही स्टेप्स आपको करना है 10-12 बार करना है ऐसे ही स्टेप्स। तो मैं 10-12 बार करके आपको मिलता हूँ। पहले तो आपको जूम करना है, उसके बाद डुप्लीकेट पर क्लिक करके आपको ओरिजिनल साइज में कर लेना है इस बटन से। तो हमने 10-12 बार कर लिया है। 10-12 बार करने के बाद आपको डुप्लीकेट पर क्लिक करके आपको इसे मिरर पर क्लिक करना है। मिरर पर क्लिक का आपको करना है 8 बार जैसे मैं कर रहा हूँ। और मिरर बार 8 बार क्लिक करने के बाद आपको वहीं से ही वही स्टेप करना है दूसरी बार, फेस तक जूम करके ओरिजिनल साइज में उसी बटन से। तो पहले तो आपको मिरर कर लेना है, डुप्लीकेट पर क्लिक करके मिरर, डुप्लीकेट पर क्लिक करके मिरर। उसके बाद फिर से यही स्टेप, फेस वाले स्टेप से ये वाले डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे, फेस तक जूम कर देना, उसके बाद एक बटन से ओरिजिनल, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स करना है आपको। तो ये स्टेप्स करके मिलता हूँ मैं आपको। तो अब ये वाला प्रोसेस सभी पूरा हो चुका है। तो अब आपको इसमें सभी जो हमने कर्ट्स लगाए थे इसमें लगाने हैं एफएक्स। और तो पहला एफएक्स है उसमें लगाना है आपको डिजिटल टोन, और प्लस में लगाना है बाइट। उसके बाद आपको दूसरे में लगाना है ये वाला, दूसरे में लगाना है एफएक्स में जाके, जो मैं लगाऊंगा बिल्कुल आप वैसे लगाना क्योंकि बिल्कुल वैसी वीडियो बनेगी डिजिटल टोन। और उसके बाद प्लस में वाइट लगा देना, और तीसरे में लगाना है ये वाला जिटल, ओनली जिटल। और चौथे में आपको लगाना है इस वीडियो के एंड में फिर से जिटल डाउन, और पांचवे में आपको फिर से वही लगा लेना है जिटल डाउन, नहीं सिर्फ जिटल। और उसके बाद आपको जिटल डाउन लगाना है फिर से, और जो लास्ट वाला है उसमें भी जिटल डाउन ही लगा लेना। तो इसके बाद हम इफेक्ट्स चेक कर लेना फुल हैं, और प्लस में सभी प्लस में आपको वाइट इफेक्ट लगा देना है, बिल्कुल वाइट इफेक्ट। ये वाला प्लस पर क्लिक करोगे वाइट इफेक्ट मिल जाएगा दूसरे नंबर पर, ये वाला इफेक्ट लगा देना है आपको। उसके बाद आपको फ़ोटो चेक कर लेनी है कि वीडियो के साथ है, अगर नहीं हो तो वीडियो के साथ और ला देना। तो उसके बाद आपको आ जाना है पहले इफेक्ट में, और उसमें जूम इन में जाके जूम इन इफेक्ट लगा देना है, जूम में जाके जूम आउट दूसरे में, तीसरे में आपको लगा देना है मूव लेफ्ट, और चौथे में मूव राइट, और पांचवे में आपको लगा देना है ये वाला जूम आउट, सिक्स्थ में आपको लगा देना है ये वाला जूम इन, और लास्ट में भी आपको जूम इन ही लगा देना है। उसके बाद आपकी वीडियो बन के रेडी हो चुकी है। तो अगर एक बार हम प्ले करके देखते हैं कि बिल्कुल वैसी बनी है, तो मैं देखता हूँ पहले फिर आपको दिखाऊँगा। हाँ वीडियो बिल्कुल वैसी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए अब हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं।